हेलो एवरीवन, देवी और सज्जनों, आपकी आज की नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ अलग लेके आया हूँ, और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा यहाँ स्टेशन में कैसे कैसे दुकानें होती है और क्या क्या बिकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज आपको क्या दिखाएंगे। तो आज मैं अपने स्टेशन की बेसमेंट में आया हूँ। यहाँ पर काफ़ी दुकानें होती हैं जो बेसमेंट में भी होती हैं। यहाँ बेसमेंट में 2-3 फ्लोर तक दुकानें होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कपड़ों की दुकानें हैं, और इसी तरह बिल्कुल दूसरी तरफ देखेंगे तो अलग टाइप की चीज़ें बिक रही हैं। जैसे ये दुकान वाले कुछ एवरीडे होम गुड्स बेच रहे हैं, और इसी तरह इस तरफ अगेन कपड़ों की दुकानें हैं। तो बहुत सारी दुकानें होती हैं यहाँ बेसमेंट्स में, जहाँ बहुत कुछ खरीद सकते हैं। जो दुकान आप सामने देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग तरह के चश्मे बेचे जाते हैं। आप चाहे नज़र के चश्मे लेने चाहें या फैशन के, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको और भी दिखाऊंगा और यहाँ क्या क्या होता है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं क्या क्या मिलता है जापान की अंडरग्राउंड बेसमेंट सुपरमार्केट में। तो ये है अगली दुकान, ये है हर्ब शॉप। यहाँ ज़्यादातर औरतों के लिए जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते हैं। जो सामने प्लाजा है, यहाँ बच्चों के लिए सामान मिलता है और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि जापान में काफ़ी मशहूर हैं। तो आपको इस मॉल में सब कुछ मिलेगा। अब हम चलते हैं अगली दुकान पे और देखते हैं ये क्या बेच रहे हैं। जो ये दुकान है, इसका नाम है लिपिका, और ये ज़्यादातर यहाँ पे अलग अलग चाय के सामान बेचते हैं। अलग अलग जैसे ग्रीन टी हो गई, रेड टी हो गई, उसका सामान बेचते हैं। और आप यहाँ से अलग अलग तरह की चाय और अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ अलग अलग तरह की वैरायटी उपलब्ध है, हर एक कंट्री का सामान मिलेगा आपको। और यहाँ सामने है एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट जहाँ जापनीज़ फूड मिलता है, और यहाँ आप अच्छे खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसे कि मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, यहाँ बाहर मेन्यू में दिखाया जा रहा है यहाँ क्या क्या बेचा जाता है। और इस उसकी बिल्कुल दूसरी तरफ यहाँ एक लिकर शॉप है, जो हमारे इंडियन लोग काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ हर एक वैरायटी की दारू मिल जाएगी आपको, वाइन का सिलेक्शन मिल जाएगा, साके का सिलेक्शन मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी बोतलें देखने को मिलेंगी, छोटी से बड़ी, और ये काफ़ी फेमस है जापान में। और लोग यहाँ साके काफ़ी पीते हैं, जो ज़्यादातर चावल से या अपनी इंडिया में जिसे कहा जाता है शकरकंद, उससे बनती है। आगे चलें तो आपको दूसरी दुकान दिखाता हूँ, जहाँ ये मीठे पकवान बेच रहे हैं जिसे डोनट्स कहा जाता है। काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। आपने मिस्टर डोनट्स का नाम सुना होगा। ये वैसी ही चीज़ें हैं, लेकिन अलग अलग जापनीज फ्लेवर में चीज़ें बेचते हैं। और मेरे सामने है बहुत फेमस कंपनी जिसे चॉकलेट के लिए माना जाता है, और इसका नाम है गोडीवा, गोडीवा स्वीट्स। मैं आपको इसका लेबल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी कारण दिख नहीं पा रहा। लेकिन इनकी चॉकलेट्स काफ़ी महंगी होती हैं, ये ज़्यादातर बेल्जियम से आती हैं और बहुत महंगी चॉकलेट होती है, आपको विश्वास नहीं होगा।
जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो छोटा पैक है इंडियन रुपीस में, इसकी कीमत करीबन 4,000 रुपये है। इतनी सी चॉकलेट आपको 4,000 रुपये में मिलेगी, लेकिन काफ़ी अच्छा ब्रांड है और काफ़ी स्वादिष्ट होती है खाने में। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और इस दुकान में आप देख सकते हैं इन्होंने अलग अलग चीज़ें रखी हैं, जैसे कि फ्लेवर्ड कुकीज़, ऑरेंज फ्लेवर है, एप्पल फ्लेवर है और अर्ल ग्रे है। ये सब चाय के फ्लेवर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ चाय के काफ़ी फेमस है। और अगर हम दूसरी तरफ चलें तो देखते हैं, ये दुकान है जो ज़्यादातर स्वीट डिशेस बेचती हैं, काफ़ी अच्छी डिशेस हैं इनकी, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। इनके केक्स फ्रूट बेस्ड हैं, काफ़ी महंगे हैं ये भी। जैसा कि आप अगर ये स्ट्रॉबेरी केक देखें तो ये इंडियन करेंसी में आपको करीबन 2,000 रुपये में मिलेगा, इतनी स्ट्रॉबेरी सिर्फ 2,000 में। और चलिए चलते हैं अगली दुकान पे, और ये दुकान है गिफ्ट शॉप। यहाँ से आप अगर अपने रिश्तेदारों के लिए कोई गिफ्ट ख़रीदना चाहते हैं तो वो ख़रीद सकते हैं। थोड़े महंगे होंगे लेकिन आपको पैसा वसूल होगा। तो इस तरह से जापान में काफ़ी मॉल्स हैं जो हर तरह की चीज़ें बेचते हैं। अब ये दुकान आ गई है अगेन, इसका नाम है आफ्टरनून टी। तो ये दुकान सिर्फ चाय बेचते हैं, अलग अलग तरह की चाय। यहाँ पर आपको हर कंट्री से चाय मिलेगी, चाहे वो इंडिया हो, अफ्रीका हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिखा है दार्जिलिंग टी, इंडिया की मशहूर चाय, और उसके साथ ही इंग्लिश ब्रेकफास्ट, स्ट्रॉबेरी मिल्क। तो यहाँ आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, ऑप्शंस आपके ऊपर निर्भर करती हैं, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। और फिर से मैं आ गया हूँ एक बहुत फेमस चेन के सामने, जिसका नाम है क्रिस्पी क्रीम। शायद आप लोगों के देश में भी ये काफ़ी फेमस होगी, जो लोग बाहर रहते हैं उनको इसका पता है। काफ़ी फेमस है, काफ़ी महंगी होती हैं इनकी आइटम्स, लेकिन बहुत दिलचस्प होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके डोनट्स हैं, इनके अलग अलग पैन केक्स हैं, मेरे को काफ़ी पसंद है। मेरा फेवरेट कैरामेल आमंड्स क्रंच है, जो कि आपको एक पीस इंडिया का करीबन 180 रुपए में मिलेगा, लेकिन ये वर्थ वाइल है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है आज की इस वीडियो में। ये फिर से एक दुकान आ गई है जो चाय के लिए फेमस है, काफ़ी वैरायटी है इनके पास चाय की। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि चाय की वीडियो हमने काफ़ी बना ली है। तो ये आ गई है नॉर्मल शॉप, जिसमें आपको रोज़मर्रा का हर सामान मिलेगा, कपड़े से लेके मेकअप का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान में मेकअप का सामान बहुत फेमस है और काफ़ी महंगा होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होता है। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ यहाँ दुकान है जहाँ पर अलग अलग तरह के बैग्स लगे हुए हैं, लेडीज़ काफ़ी पसंद करती हैं ये बैग खरीदना। अब हम बढ़ते हैं सीढ़ियों पे, क्योंकि
वक्त हो चुका है मेरा घर जाने का, और मैं इस समय सीढ़ियों पे आ चुका हूँ, और ये सीढ़ियाँ जाएंगी स्टेशन के ऊपर, और स्टेशन के ऊपर के जाने के बाद मैं रुक करूँगा अपने घर की तरफ। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मेरे को कमेंट और मैसेज में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ अलग अलग तरह की दुकानें हैं, और मैं इस समय फर्स्ट फ्लोर में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं लोग शॉपिंग का लुत्फ उतार रहे हैं, और ये आ गई है मेकअप की शॉप, जहाँ औरतें अपना टाइम पसंद करना चाहती हैं। बहुत सी मेकअप शॉप्स हैं, मेकअप का सामान बहुत महंगा है जापान में, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। आप देख सकते हैं लोग मेकअप करा रहे हैं और अलग अलग सामान ले रहे हैं। और अब मैं पहुंच जा रहा हूं वापस अपने स्टेशन में। आपने स्टेशन की तो मेरी काफ़ी वीडियो देखी हैं, लेकिन आपको बता दूं कि मैं रोज़ इस स्टेशन में करीबन करीबन 2-3 घंटे बिताता हूं। और ये है यहाँ की फेमस फूलों की दुकान। जापनीज़ लोग फूल काफ़ी पसंद करते हैं, तो ये ज़्यादातर यहाँ से फूल खरीदते हैं और घरों में रखते हैं सजावट के लिए, या किसी को गिफ्ट देते हैं। और ये है, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो उसका सीन, ये आज भी स्टॉल लगे हुए हैं और ये आज भी सेल पे है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, ध्यान रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।